हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 5 सोशल स्टडी में लेसन नंबर 4 का जो आपको शेष बचा था उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। इस पे ध्यान देंगे। द अदर हाफ लाइज ड्यू टू साउथ ऑफ द इक्वेटर। ऑल लैटिट्यूड आर कंप्लीट सर्कल एक्सेप्ट द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। जैसे इस पिक्चर में आप देखेंगे कि हाफ भाग जो है साउथ ऑफ द इक्वेटर के साउथ में, ऑल लैटिट्यूड्स आर कंप्लीट सर्कल, सभी जो रेखाएं हैं पूरे गोलाकार में सर्कल किए हैं। नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से। दीज आर पॉइंट्स, ये सब पॉइंट्स एक ही पॉइंट्स पे मिले हुए हैं सभी रेखाएं। द लेंथ ऑफ द लैटिट्यूड्स डिक्रीज एज दे मूव फ्रॉम द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड द पोल्स। सभी लैटिट्यूड बढ़ती हुई ये इक्वेटर से हो करके पोल्स पे जा करके मिल जाती हैं। ऑल द लैटिट्यूड्स आर कॉल्ड लोकेटेड एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। सभी की दूरी जो है एक समान है। एंड दे नाइदर टू टच नॉर क्रॉस वन अनदर, न तो किसी को आपस में स्पर्श करती हैं न किसी को क्रॉस करती हैं। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्री, लैटिट्यूड्स को डिग्री में मापा जाता है। द इक्वेटर इज एट 0 degree लैटिट्यूड। इक्वेटर जो है 0 degree रेखाएं पे होती हैं। द वैल्यू ऑफ ऑल अदर लैटिट्यूड इज फॉलोड बाय द बेटर। ये सभी के दूसरे लैटिट्यूड्स के वैल्यू जो हैं, मान्य जो हैं, सबसे अच्छे माने जाते हैं। एन और एस, जैसे नॉर्थ एंड साउथ, दिस इंडिकेट्स वेदर द लैटिट्यूड्स इज एन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और इन द साउथर्न हेमिस्फेयर। तो ये आपको दिखाता है, ये रेखाएं आपको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउथर्न हेमिस्फेयर को दिखाता है। जैसे में द लैटिट्यूड्स नेक्स्ट टू द इक्वेटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज 1 degree एन एज वी मूव फर्दर northwards, the line of latitude are numbered as 2 degree N and 3 degree N, 4 degree N and so on। इस तरह के सभी की माप जो होती है इस प्रकार हैं। This numbering goes on till, इस तरह से उसकी संख्याएं बढ़ जाती हैं। वे रीच 19 degree एंड, जब हम 90 degree नॉर्थ पहुंचते हैं, विच इज नॉर्थ पोल, जो कि नॉर्थ पोल होता है। द लैटिट्यूड्स इन साउथर्न हेमिस्फीयर आर नंबर्ड इन द सेम वे टिल वी रीच साउथ पोल विच इज लोकेटेड एट 90 degree एस। तो जब भी हम लोग साउथर्न हेमिस्फीयर में बहुत सी संख्याओं में होते हैं तो वे सेम उसी तरह रहते हैं जहां उस पे पहुंचते हैं। साउथ पोल विच इज लोकेटेड, साउथ पोल भी 90 degree यानी 90 degree एस पे होता है। द इक्वेटर इज आल्सो नोन एज ग्रेट सर्कल, मगर इक्वेटर को भी एक ग्रेट सर्कल के नाम से जानते हैं, वे बड़ा सर्कल होता है। एंड हैज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, और वो सबसे लंबा लैटिट्यूड होता है। एज वी मूव
northwards और southward from it, जैसे वो north से south तक जाता है. The latitudes decreases in size till they are reduced to a point at the pole. और latitude घटता जाता है, उसका आकार घटता जाता है जब तक वो पोल्स के साइड में पोल्स पॉइंट्स पे जब आता है. देयर आर 181 लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स के 181 लाइंस होते हैं. इम्पोर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स अपार्ट फ्रॉम द इक्वेटर एंड पोल्स, इक्वेटर का एक भाग से होकर के पोल तक. There are four important latitudes as follow. कम से कम चार important latitudes हैं जिसको कि हम follow करेंगे. Tropic of Censor, Atlantic Circle, Tropic of Capricorn, Antarctic Circle, जिसका bracket में इसका map भी दिया हुआ है, इसको आप follow करेंगे. और यही इम्पोर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स हैं. अब आज इतना ही, और आगे अगले दिन जो होगा इसके लिए धन्यवाद.